होला, मैं हूँ किंग राणा एंड आज की वीडियो की स्टार्टिंग काफी ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि आज मैं अपनी वीडियो को आईपैड के अंदर एडिट कर रहा हूँ, जो मैं काफी ज्यादा कम करता हूँ। मैं काफी टाइम पहले आईपैड के अंदर वीडियो एडिट करता था एंड आज देखो कितने दिनों बाद मैं आईपैड के अंदर वीडियो एडिट कर रहा हूँ और बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैं अपने काफी सारे दोस्तों के साथ हैंग आउट मार रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें अभी वीडियो का टॉपिक तो कुछ बताया ही। आज की वीडियो के एंड में हम लोग कुछ पुलिस वालों को कुत्ते की तरह मानने वाले हैं। वीडियो की स्टार्टिंग होती है, देखो हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, फुल बातचीत कर रहे होते हैं, सारे के सारे दोस्त यार मिलके बातचीत करते करते शाम हो जाती है, लेकिन हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई होती है। लेकिन वहीं पर हमारे बीच में होता है एक क्रिमिनल, वैसे तो वो मेरा दोस्त है शेख बाबू, बट यार इसे मारने के लिए अलग अलग जगह से पुलिस वाले आ रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं क्यों ना इसे गाड़ी के अंदर बिठा के इसे भगा दिया जाए, क्योंकि यार ये हमारा दोस्त था तो इसको बचाने का फर्ज भी सिर्फ हमारा ही था। लेकिन शेख बाबू तो मान नहीं रहा था, तो शेख बाबू के साथ मैं भी YNS को मार के क्रिमिनल बन जाता हूँ। मौके का फायदा उठाने के लिए पुलिस वाला देखो कितनी तेजी में आ रहा है मेरे को मारने के लिए, शायद से ये चीज नहीं जानता कि ये जिस बंदे को मारने के लिए आ रहा है वो कोई नॉर्मल मैड आउट टू प्लेयर नहीं, इस गेम का किंग राणा है। तो यार मैं इस पुलिस वाले को चटका देता हूँ एंड मेरे पे ऑलमोस्ट 3 स्टार लग चुके हैं। लेकिन इस पुलिस वाले को अब भी ये चीज नहीं पता था कि ये किंग राणा को मारने के लिए आ रहा था, तो ये पर्सनल दुश्मनी लेने के लिए वापस आ रहा था किंग राणा को मारने के लिए। एंड किंग राणा एंड किंग राणा के सब्सक्राइबर्स को तो यार तुम लोग अच्छी तरह जानते ही हो भाई, वो मेरे को कैसे कुछ होने देंगे। मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स एंड मेरे सब्सक्राइबर अपनी अपनी पोजिशन होल्ड कर चुके थे इस बंदे को मारने के लिए, और अब इस बंदे से भी हमारी पर्सनल दुश्मनी हो चुकी थी। तो समझ रहे हो लड़ाई टक्कर की होने वाली है, पुलिस लोग वर्सेस आम जनता यानी कि किंग राणा, भाई एकदम अमेजिंग मजे आने वाले हैं। फाइनली थोड़ी देर बाद ये उसी मैदान में आ जाता है। पुलिस वाला आ रहा है, इसकी भैंस की पिटाई है। भाई रुको ना रुको ना रुको ना, अरे भाई दोनों मिलकर एक ही बार मारते हैं। अरे ले गया बीच ही में से कार हट गई। एंड ये मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे गंदा मोमेंट और उस बंदे की सबसे बड़ी गलती। भाई अगर वहां से कार नहीं हटती तो मैं बच जाता एंड मेरे को जेल में ले गया भाई ये बंदा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्या अब मेरे को सबसे पहले जेल से बाहर निकलना था। मैं छुपके छुपके अंधेरे में जेल से भागने की तैयारी में लग जाता हूँ और मैं अंधेरी गुफा का रास्ता ढूंढने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इस जेल से एक अकेला रास्ता यही है जो मेरे को यहाँ से बाहर निकाल सकता है। मैं जैसी अंधेरी गुफा वाले रास्ते में एंटर करता हूँ, वहां पे भाई एकदम अंधेरा होता है, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। एंड यही पॉइंट था मेरी लाइफ की एक और बड़ी गलती। मैं लिटरली इस गुफा के अंदर खो चुका था, क्योंकि मेरे आईपैड में एक मैड आउट 2 के ग्राफिक इतने ज्यादा हाई है कि इस अंधेरे में सच में बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। तुम लोग देख सकते हो मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना यार, जिसके दोस्त और सब्सक्राइबर उसके साथ हो तो उसका कोई क्या ही तो बिगाड़ लेगा। तो मेरे भी दोस्तों और सब्सक्राइबर ने यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। मुझे भी मारा। अरे आजा, कोई भी नहीं है भाई, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या है ना भाई, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा यार। कुछ नहीं दिख रहा मतलब? अरे मतलब यार अंधेरा अंधेरा हो रखा है मेरे गेम में, तू बता कहाँ जाना है। गेम बैक कर कराओ ना फिर से। अरे जल्दी बता कहाँ जाना है। यहाँ पर एंड फाइनली सोहेल की वजह से मैंने एस्केप कर लिया था इस जेल से एंड मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी मंगाई भागने के लिए, क्योंकि भाई तुम्हें तो पता ही है भाई यहाँ पर हमेशा पुलिस वाले रहते हैं। वो तो आज मेरी किस्मत थी कि यहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं था। एंड यार थैंक यू सोहेल भाई, अगर सोहेल नहीं होता ना तो मैं इस गुफा से सुबह तक बाहर ही नहीं आ पाता। देखो मैंने जेल से तो एस्केप कर लिया था, लेकिन अब बारी थी उस पुलिस वाले से बदला लेने की, क्योंकि उसको तो देखो मैं खाली हाथ पूरे गेम में छोड़ने नहीं वाला था। तो चलो बदला लेने चलते हैं अब उससे। अब देखो अब ये पुलिस वाला देख जहाँ भी मिला ना मेरे को उसको बहुत गंदा मारूंगा। चल चूतिए। गया खड़ा हुआ था, गाड़ी मंगवा रहा होगा। हाँ तो वही तो यार, अब DIG AK-47 को चल ढूंढ के मारते हैं। चल हाँ चल चल। अरे भाई रुको ना रुको ना, तू मैप में देख कहाँ पर है। हेलो 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 क्रिमिनल हेलो। हाँ इसके पास सब गाड़ियाँ हैं इसलिए। अरे DIG मिल गया, DIG मिल गया, आ रहा है, यही आ रहा है। चलो चलो चलो। एंड अब टाइम आ चुका है रिवेंज का। मैं यहीं पर है पास में ही। मेरे पास तो पूरा गन है,
पूरा तोड़ेंगे उसको। फाइनली एक लॉन्ग ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच चुके थे अपने एनिमी के पास एंड अब टाइम था इसका काम खल्लास करने का। भाग रहे जीते मार मार मारना 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 नहीं नहीं राणा भाई उसको मार ले दो मुझे उसका पुलिस जो बट है ना तब मारेंगे इसको मारना नुकरे मारना दम नहीं है क्या अब आ रहा हूँ मैं। मेरे सब्सक्राइबर्स अगर तुम्हें लग रहा है ये रिवेंज खत्म हो चुका है तो अभी तुम बहुत बड़ी गलती में हो। अभी तो रिवेंज लेना हमने स्टार्ट किया है एंड अब देखना तुम हमने इस पुलिस वाले को कितनी बुरी बुरी तरह मारा। निकल गया वो मारा भाग गया। अभी रुक जा उसे तो ढूंढ ढूंढ के मारेंगे दिक्कत क्यों ले रहा है। मिल गया फिर से चल अभी फिर से मारने चलते हैं उसे। नानी फिर से एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग वापस आ चुके थे अपने एनिमी के पास एंड अब की बार तो हम लोग इसे नहीं छोड़ने वाले थे लेकिन सिचुएशन ही बदल गई हमारी तो इसको। अरे मार इस दल्ले को ऐसे। अरे बब्बू मार इसके हाथों से मार हमें लग रहा था पूरा गेम हमारे हाथों में आ चुका है लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने इसको वापस से सेफ जोन के अंदर आने दिया। कहाँ लेके जाएगा मेरी जानी से हट गया मादर। अरे सेफ जोन में है यार ये सेफ जोन में है। नाच रहा है। अरे बम से फट सकता है के बम मार के देखिए उस पे। नहीं 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 लगेगा नहीं लगेगा। एंड यार ये बंदा हमारे सामने खड़ा होके सेफ जोन के अंदर फुल डांस दिखा रहा है हमें जिस चीज से यार हम बहुत ज्यादा क्लच जाते हैं और उसको मारने की ना अलग अलग टेक्निक्स ढूंढते हैं। एंड फाइनली यार मैं एक टेक्निक सोचता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी गाड़ी लेकर आऊंगा एंड गाड़ी से इसे मारने के बाद ये थोड़ा हल्का सा बंदा पुश होगा जिसके बाद जैसे ही सेफ जोन से हल्का सा भी बाहर जाएगा मेरी टीम इसे तभी के तभी वहीं पर मार देगी। एंड फाइनली मेरी गाड़ी भी यहाँ पर आ चुकी है एंड अब मैं इसे ठोकने वाला हूँ जिसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड गैस वॉट मुझे लगा ही था ये ट्रिक काम नहीं करेगी बट एट द एंड इस ट्रिक ने भी अपनी कुछ ना कुछ झलक छोड़ ही दी। मैंने इस बंदे पे काफी ज्यादा ट्राई करा इसे कैसे ना कैसे करके जोन से बाहर निकालने की बट भाई ये बंदा किसी भी कीमत से ग्रीन जोन के अंदर से बाहर ही नहीं आने को राजी था। बट एंड में इस बंदे ने एक गलती कर दी। एट द एंड ये बंदा समझ गया और ये जोन के थोड़ा सा और अंदर जाके खड़ा हो गया जिससे मैं इसे कार से हिट नहीं कर पाऊँ। मैं भी समझ गया कि भाई ये ट्रिक अब और काम नहीं कर सकती लेकिन एक लास्ट ट्राई लेने में क्या दिक्कत है। सो लेट्स गो। ऑलमोस्ट डन हो ही गया था बट एक घटिया कार चूती है लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ लगा रखी है। थोड़ी देर बाद इस गेम में आया एक ट्विस्ट। ये जो पुलिस वाला बंदा था DIG AK-47 इस बंदे ने मेरी कार पे बॉम्ब लगा के ब्लास्ट कर दिया जिसके बाद इसकी पुलिस जॉब ही चलेगी एंड यही तो हमें चाहिए था। अब हम लोग इसे इजीली मार सकते हैं और वैसा ही हुआ। सोहेल ने इसे अच्छी तरह मारा एंड अब ये फ्री जोन से भी बाहर जा चुका है। सो अब तो इसका कुत्ता भरना तय था। हम सब लोग मिलकर पहुंचे उसी जगह पर जहां पर ये स्पॉन हुआ था एंड वहां पर जाके हमने देखा ये बंदा यहां पर भी ग्रीन जोन वाला गेम खेल रहा है हमारे साथ। लेकिन अब की बार इसका ये गेम खेलना ज्यादा देर तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने अपने टीममेट को समझा दिया कि भाई खुला ग्राउंड है अब की बार तो इस अपनी कार से तू घसीट ही दे एंड वैसा ही करा मेरे टीममेट ने और वो काफी हद तक सक्सेसफुल निकला। लेकिन ये बंदा एकदम फ्री जोन की एज से वापस आ गया। बस ये थोड़ा सा और घसीट जाता तो ये जोन के बाहर निकलता। सो मैंने अपने टीममेट को ऐसा ही करने को कह दिया एंड बस दूसरी से तीसरी टक्कर के अंदर ये बंदा हमें जोन से बाहर दिखने वाला है। बट ये बंदा अपने आप ही चला के जोन से बाहर। देखो इस बंदे को लग रहा है जोन में खड़ा है बट बाय बाय सर जी। अबे ये कहां खड़ा है। लेकिन अब देखो ये बिल्कुल जोन के बाहर था और हम लोगों ने इसे निपटा दिया। उसके बाद मैं हर उस जगह पर गया जहां जहां ये स्पॉन हुआ था और मैंने हर वहां जगह जाके इसे मारा जैसे कि पहले ही रेगिस्तान में। फिर ये बंदा मिला मेरे को मेरे ऑफिस के किनारे पर एंड ये बंदा हर बार कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही स्पॉन होता जा रहा था एंड हम लोग इसे हर बार चटका रहे थे। सो अब की बार भी हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले थे
बट ये इस बंदे का लास्ट टाइम था जब ये यहाँ पर खड़ा हुआ था। उसके बाद देखो मेरे टीममेट ने इसे कितने गंदी तरीके से चटकाया। उसके बाद देखो ये बंदा ऑफलाइन चला गया एंड फिर ये हमें कभी वापस मिला नहीं, नहीं तो हम इसका दोबारा कुत्ता भरते, क्योंकि इस बंदे से हमारी पर्सनल दुश्मनी हो चुकी है। सो आज का अपना रिवेंज जो था, जो डीआईजी AK-47 से था, वो भी कंप्लीट हो चुका है एंड आज की वीडियो भी खत्म हो चुकी है। सो होप करता हूँ देखो तुम लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा तुमसे किसी नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो में। और अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई हो सो कमेंट कर देना एक बार, ताकि मेरे को फीडबैक मिल जाए यार कि मेरी ऐसी वीडियो तुम लोग को कैसी लगती है। भाई रिवेंज वाली हम लोग रिवेंज की सीरीज स्टार्ट करते हैं और हमारा जो मेनिम होंगे वो होंगे पुलिस वाले। हम लोग पुलिस वालों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। अगर तुम लोग चाहते हो भाई मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो बस तुम एक बार कह दो यार, मेरे पास वीडियो का भंडारा होगा। सो बाय बाय।